तो क्या खा रहे हो? पकौड़े आपके फेवरेट है? आपके फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए गोभी काटी जा रही है, मम्मा गोभी काट रही है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, कैसे होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक नेक साले औलाद दे। तो शाम का व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है, अभी मैं लगी हूँ शाम का खाना बनाने। आज हम बना रहे हैं गोभी मटर, वो भी आपसे पूरी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और हैदर अली की जो है ना तबीयत भी ठीक नहीं है, हैदर अली के लिए दुआ करनी है कि इनको जो है ना इसकी तबीयत ठीक हो जाए, है ना हैदर अली? क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, बुखार नहीं हो गया? बुखार हो गया है। कितना बुखार है? बहुत अच्छा है। बुखार भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सबने दुआ करनी है इंशाल्लाह हैदर अली ठीक हो जाएगा। हैदर अली के लिए जो हम दवाई लेने गए हैं नंबरदार और मुंशी मुखलस भाई ने लग के दी है दवाई, तो वो स्टोर से लेने गए हैं, वो भी लेके आएंगे, फिर हैदर अली को दवाई खिलाएंगे। हैदर अली केक खा लिया, इसको केक खाला ने लेके दिया तो वो खा रहा था। जैन भी खा रही थी। बोलता है जैन अब खा रही थी। आपने नहीं खाया? खाया है। कैसा था फिर? बहुत अच्छा था। और शाम भी हो गई है, हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ऐसा नहीं करो मिठू, और ऊपर मौसम बिल्कुल साफ है, वो सामने चंदा मामू खड़ा हुआ। चंदा मामू कहाँ है? वो है इधर है, ऊपर है। हाँ जी। आज बना रहे हैं गोभी मटर। जो भी खाना चाहे आ सकता है हमारे घर में। इंसान तो नहीं आए लेकिन धुंध आ गई है। देखो धुंध आना स्टार्ट हो गई है। अभी जो है रात को बहुत ज्यादा पाला थी जाएगा, मुझे अभी भी नींद आई हुई है। अभी भी नींद पूरी नहीं। मैं सो जाऊं क्या? सो जाओ, आपका काम कोई नहीं है। आज मुझे ना बहुत बहुत वो हो रहा है, हड लग गई है रात को। तो अभी ये बनाएंगे खाना, हम भी खाएंगे। हैदर की दवाई लेने पहुंच गए हैं, हैदर को हम दवाई देंगे, ये ठीक थी जाएगा। आपने भी दुआ जरूर करनी है। हैदर पकोड़े खा लिए, कैसे लगे? बहुत अच्छे। मैं मटर जोड़ दूं? वो टोकरी इधर करो, मैं मटर आपके साथ जुड़वा लेता हूँ। चलें कुछ काम लगा रहूँगा ना तो मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। सिस्टर वालों ने कहा था कि गोभी मटर ले आओ, लेकिन वो फिर खाई नहीं, ऐसे ही चली गई है, क्योंकि मुखलिस भाई ने दावत दे दी फिर वो चली गई। अब हम खुद ही बना के खाते हैं। सब्जी है, बड़ी महंगी सब्जी मिलती है आजकल। हाँ। और बहुत सारी मैं ले आया था, बहुत सारी ले आया था, पता नहीं आप कितनी बची हुई है। बची है आलू भी थे इसके साथ, मैंने सुबह आलू बना लिए, फ्राई कर लिए थे तो सुबह के नाश्ते में। अभी गोभी और मटर जो है अभी शाम के खाने में बना रही हूँ। आपने रहना हमारे साथ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मैडम का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, वीएपी चैनल है, सोना चैनल है और अच्छे कंटेंट वाला चैनल है। इसके ऊपर जो वीडियोस होती है ना, बड़ी सादा सिंपल बेहतरीन, देखने में मज़ा बहुत आता है। कभी कभी ना मैं खुद भी चला लेता हूँ, क्योंकि
हम खुद अपनी वीडियोस वगैरह नहीं चला सकते ना, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई हरकत कर लेता हूँ, चला लेता हूँ। सिर्फ क्या है कि चैनल को देखने के लिए वीडियो कैसी बनी हुई है। और काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद मैं इनके चैनल में आया हूँ, क्योंकि वैसे तो हम एक साथ ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के चैनल में कम ही दखल अंदाजी करते हैं। जिसका काम उसी को साझे, जिसका चैनल वही चलाए। और वसीम भी आ गया। आ गए हो? वो दरवाजा बंद है, खुला छोड़ दिया है, वो खुला हुआ था। ये दरवाजा ये खुला हुआ है, वो ये वाला इसका ये कमरे जाली का। जाली ये बंद है। छुपन छुपाई खेल रहे हैं, सारी सब्जी काटते हैं और फिर बनाते हैं, आपसे भी शेयर करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम चलते हैं खाला के घर। यहाँ पे देखें, ये सारी जो है ना भाभी वालों की, ये सबके घर दावत खाएंगे आज। सबके घर दावत खाएंगे आज। हाँ जी, हाँ जी, जा रहे हैं अभी खाने के लिए। हाँ जी, हाँ का मौसम चेक कर लें। अभी चलते हैं और देखते हैं खाला वालों को। यहाँ पे चाची खड़ी हुई है। और क्या नहीं करना चाहिए था क्या? करना चाहिए था। अच्छा, चले खड़े हैं फिर सर्दी में आज। जब कहोगी फिर उतर जाएंगे। हाँ, मैं तो अभी कहते अभी उतर जा। चलो सवेरे। अच्छा, हम ना इधर लकड़ियाँ देख लें। हाँ जी, ये बहुत है। चलते कुछ और यहाँ पे पहरान क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, झोले में भी बच्चे उठाए हो। और यहाँ पे खाला और जैनब, कैसी तबीयत है? ठीक। खाला अपना सुनाए, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है? हाँ, थोड़ी बहुत ही कुछ तबीयत ना खराब हो गया। अभी मौजम भैया आपका गया दवाई लेने के लिए, ठंड लग रही है और खांसी है, इसलिए रजाई में छुपी हुई हूँ। खांसी वर्सी तो हमारे घर पर ही नहीं है। शरबत मैंने पीती, पीती नहीं है, बेचारी शरबत से दूर दूर भागती है। भागती हूँ मैं। चाचा अहमद वाले आ रहे हैं, कहते हैं इतने साल लग गए, आपकी तारीफ करेंगे हम आपकी। हाँ जी, वो आ रहे हैं। माशाल्लाह, भी लगाएंगे सब गप्पे शप्पे लगाएंगे। और हाँ, आ गए। आ गया, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ले जी दवाई। सब इधर है, सब इधर है, सब बना हुआ है, सब कौन बीमार है? टीकू मत क्या है, मैं अपना खड़ा गया। इतना कर क्यों जोगी दी? पता नहीं क्या था। तक भी बाहर खड़ी हुआ है, फूफा वाले को पहचानने गए थे रात को, तो यहीं पे खड़ा दी गई थी। बाबा को ना बहुत नींद आई हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी खड़े करके सो गए थे। आप भी अंदर खड़ाएंगे ना? हाँ जी, अभी तो खड़ाएंगे, इसको खड़ी करेंगे। हाँ जी, तो कपड़ा छपड़ा लगाते हैं, इसको चमकाते हैं। हाँ जी, फिर कपड़ा ऊपर से डाल के। हाँ जी, आ जाओ चले, हम चलते हैं अभी। सब यहाँ अभी नीचे आ रहे हैं, मम्मा सब सब्जी काट ली, सब्जी काट ली, काट रही हैं।
ये देखिए जी हमारा सीढ़ी का दरवाजा भी लग चुका है। देख ले कितना प्यार है, आप कैसा लगा ये हमारा दरवाजा? और गेट खोलो, गेट खोलो, हम गाड़ी अंदर ले आता हूँ। और इसका भी ये लग चुका है, ये जैसे हम ना छत पे जाते और इसको ये पकड़ के ना ऐसे पकड़ के ना इसको बंद कर देंगे, और वहाँ पे वो कांटे जो छुरियाँ होती हैं ये देखे ये लग चुकी है। कल परसों का मिस्त्री आया था, गाड़ी इधर ले आते हैं, हाँ जी, फिर गाड़ी को कपड़ा लगाएंगे, हाँ जी, आपके बाबा जानी, हाँ जी, और ये देखे छुरियाँ भी लगी हैं, हाँ जी। अच्छा तो आप बताना है आपने कि ये जो है ना कैसे लग, कैसी लग रही है? हमारा घर मुकम्मल हो गया है और उधर सीढ़ी पे भी गेट लग चुका है, आज पूरा जो है ना अभी इसके ऊपर कलर होगा, फिर देखना कैसी इस तरह का कलर जैसे ये है दरवाजा, बड़ा गेट। चलते हैं अंदर आएंगे बाबा वाले और भैया में खड़े हुए हैं। आ रहा हूँ, आप लाइन लगा ले आ दवाई। हाँ दवाई आ गई, किसकी थी? मेरी खाला की और हैदर अली की। हाँ जी चलो गई अंदर, और अभी इधर चलते हैं, देखते हैं सब बच्चे भाग रहे हैं। गोजिया ये चाचा क्या कर रहे हैं? गोजिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी चलते हैं देखते हैं किसमें कोई कैमरा तो बगैर वाला तो नहीं है। यहाँ पे देखे चाची क्या पका रही है? दाल बना रही हूँ आज। दाल? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे दाल मूंगी मसूरी वाली दाल। हाँ जी, आप क्या बना रहे हो? गोभी और मटर, हमने रात बनाए थे, फिर रात बनाए थे तो आज मैंने कहा कि दाल बना लेते हैं। जुम्मा भी था, सब्जी वाला आया नहीं? हाँ सब्जी वाला। कल हमने वो फूफो ने कहा ना कि गोभी और मटर ले, वो तो रात चली गई थी इसलिए हम नहीं बनाया, हमने तो अभी वो तो चली गई इसलिए हमने बना लिया। सही है, क्योंकि आज सब्जी वाला आया नहीं था जी। तो फिर और सब्जी हमने ली नहीं थी किसी और जगह से, हाँ जी। तो मिसाला काल का रखा हुआ था, टमाटर भी रखे थे, प्याज भी रखे थे, धनिया वगैरह सब कुछ रखा था, तो मैंने कहा आज दाल ले आए, हाँ आज दाल बना लेते हैं, तो हाँ फिर दाल ले आए तो दाल बना रही हैं। हाँ जी, हाजरा वाले कहाँ? हाजरा पता नहीं कहीं चली गई है खेलने के लिए। हाँ जी, सुबह से हमारे साथ ही थी, अब मैं तो व्लॉग बना रही हूँ, हाजरा का पता नहीं। अभी तुम्हारे कमरे की छत के ऊपर से आवाज लगा रही थी कि मम्मा आपको मंदना मिल गया है कि नहीं मिला, मैंने कहा मिल गया है। वो है जो आपके लिए आप वाले, ये हमारे घर अभी रखा था। हाँ जी वही है, वो भी आपके कमरे की छत के ऊपर। अभी इसको चमचा लगाएंगे। अभी पहले मैंने देखा तो गाढ़ी नहीं हुई थी, मैंने कहा कुछ गाढ़ी हो जाए तो फिर इसमें मंदना लगाऊंगी, तो अभी ये गाढ़ी हो रही है तो फिर इसमें लगा के फिर ऊपर से सब धनिया काट के डाल दूँ। यहाँ से भी आपको आपसे मिलवा दिया चाची से, अभी चलते हैं घर वापस, घर वापस चलते हैं। चाचा अकरम तो वो नहीं थे घर में, वो पता नहीं कहाँ हैं, मैंने देखा तो नहीं। यहाँ पे बाबा गाड़ी साफ कर रहे हैं, अंदर डाल दी और अंदर खड़ा दी, तो फिर अभी साफ कर रहे हैं।
क्या खा रहे हो? क्या है? मूली। इस पर है ना, जब भावलपुर से आ रहे थे तो ब्लान लगी थी, फिर इसलिए ये लगवा दी है। ये ब्लैक ब्लैक सा और लाइटें भी पीली हो गई है। और हाजिर आप कैसी हो? ठीक। तबीयत ठीक है? हम तबियत सुना ठीक है। हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। हैदर, आपकी दवाई आ चुकी है। खालो के गोल, खालो के गोल। भाव के देखो जा रहा है। मैंने कहा ना आपकी गाड़ी, ओ नहीं गाड़ी नहीं, हाँ दवाई आ चुकी है। कहाँ है? मैंने कहा खालो के गोल, तो फिर भाव के वो जगह जो रहा है। रुको 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 जाओ, रुको मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो चलो, डर लग दे। हाँ जी, हट ना हाजरा। हाँ जी, क्या कर रही हो? सबसे गप्पे लगवा ले, अभी हैदर कहता खाला के घर पहुंचा के आओ। चलो ये मुझे दिखाओ, उनको खाला के घर पहुंचा के आओ। हाँ जी, वो देखो रो रहा है। हाँ जी, जाओ। घी जो है हमारा गरम हो चुका है, फल और ये मसाले। पीछे होके, पीछे होके। हाँ। ये बहुत सारा धुआं होता है। हाँ। कितना सारा घी डाल दिया? गोभी में कुछ ज्यादा डालती हूँ, थोड़ा डालो। अच्छा, आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे जो डॉक्टर ने रोका है, इसलिए अपने लिए बहुत अच्छी चीजें बना के। आपको रोका है, मुझे भी तो रोका है ना, लेकिन जो चीज नहीं इंसान से अच्छी लगती, और खाना भी तो है ना। अच्छा, वो वाले डॉक्टर जो आपका इलाज करवा रही है, उनसे बोल रही हो ना? नहीं, उनसे नहीं बोल रही। तो क्या क्या मिर्चें खाओ? अच्छा, क्या बोले इतना ज्यादा घी खाओ? अच्छा, क्या बोलते इतने मतलब ये चीजें खाओ? कुछ ना कुछ खाना तो है ना, अब ये तो नहीं कुछ खाए भी ना ऐसे। अच्छा, फिर कैसे मैदा ठीक होगा? ठीक है, सही है। क्या आप हमें छोड़कर जाना चाहती हो? लेकिन हम आपको खोना नहीं चाहते। वक्त आने पर हर कोई छोड़ जाता है। नहीं, आपको पता है ना, अगर इसमें आप हाथ डालेंगी तो जलेगा ना, आपको पता है ना। अच्छा, ये बिजली है, आप इसको हाथ लगाएंगी तो आपको बिजली लगेगी ना, लगेगी ना। अगर फिर भी आप ये जो खा रही है ना, समझे यही काम कर रही है जान बूझ के, कि बिजली को हाथ लगा रही है, कि हाथ जला रही है, घी में डाल रही है। ये एहतियात जरूरी होती है, जानबूझ के नहीं करना चाहिए। जानबूझ के बंदा करे फिर बोले ये जी बस ऐसा जैसे वक्त आ गया था मिल गया, अब मैं ऊपर छत पे चला जाऊं उधर से छलांग लगा तो मेरा वक्त आ गया है, ऐसा नहीं होता। एहतियात होती है, बंदा कोशिश करता है, इलाज करता है। इतनी सारी सब्जी में इतना घी डलेगा या नहीं डलेगा बताओ मुझे? मुझे घी की फिक्र नहीं है, आपकी बहुत है, बच्चों की बहुत है। ए, बच्चों की तो करूँ ना, बच्चों की करो, मेरी फिक्र ना करो। बच्चों की मैं ही कर रहा हूँ, आपकी ऑटोमेटिक ठीक जाती है। ऑटोमेटिक ना करो, पता है क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए आप सारा कुछ हैं, और मेरे लिए बच्चे सारा कुछ हैं, और इसी बहाने आप भी साथ घुसड़ी हुई है। अच्छा, इसका मतलब है मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ, बच्चे आपके लिए हैं। बच्चे आपके लिए हैं? नहीं, आप समझी नहीं है। मैं बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, कि आप एहतियात किया करो, जैसे जैसे डॉक्टर ने रोका है ना, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर उसके बाद चाहे उससे दुगनी खा लेना, है ना बक्तावर? मैंने सही बोला ना? अब रोशनी देखते हैं बढ़ती है, वो रोशनी बढ़ गई है, बाहर वाला बल्ब जला दो।
वो ऐसे रिमोट को मारा ना करो, वो देख ऐसे हाथ पे मारता रहता है ऐसे। मारते नहीं है हाथ पे। क्यों चलाइया है? बंद करो। नूर कहाँ है? इधर कहाँ ले आओ सब। वो बुला रहा है हैदर, ले आओ, गिर ना जाए सीढ़ी से। लाल मिर्चें भी डाल दी, मिसाला भून गया। देखते हैं आज गोभी आप कैसे बनाती हैं, गोभी मटर बहुत अच्छे बनेंगे। चलो देख लेते हैं, मैं भी इधर हूँ, नहीं कहीं जा रहा। जब जब सोने लगेंगे फिर हीटर जलाएंगे ना। क्या अभी से जला दूं? नहीं, जब सोने लगेंगे, खाना खाने लगेंगे फिर जला देंगे। चलें ओके ठीक है। ये क्या डाला है? हल्दी। हल्दी भी डाल दी? गोभी में हल्दी कौन डालता है? सबको ही डालते हैं, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, फेवरेट होती है। अच्छा जी, ये नमक फिर क्यों डाल रही है? नमक, नमक भी डाला जाता है जी। आपको, आप बड़ी कुक का हैं? बड़ी तो नहीं हूँ, बस सादा सी हूँ। अच्छा, आपको खाना बनाना आ जाता है? जी आ जाता है, तो बना रही हूँ। आज मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। गुस्सा आ गया, आ चुका है, तो फिर हंसते क्यों रहे हैं? वो ऐसा होता है कि मेरा मतलब है कि हंसना भी तो एक गुस्सा है ना। हंसने वाला गुस्सा है। जब गुस्सा आता है ना तो बंदे के और तो कोई बात भी चीज नहीं होती, फिर इसलिए हंस ही लेते हैं। ये गुस्से में हंसने वाला लोग है। अच्छा है। हाँ सही है ना? जी हाँ, बहुत सही है। आपको भी जब गुस्सा आए तो आप हंस लिया करें, खेल लिया करें, फूके का कोई पता नहीं कब निकल जाए। है ना? आप धोएंगी इन्हें? जी। इतने सारे वो कैसे धोएंगी? इसीलिए थाल में डाल दिया है। 2 किलो की गोभी सारी पका ली? सारी पका ली एक साथ ही? एक साथ ही। आधी आज पका लेती, आधी कल पका लेती, या परसों या तरसों, या खराब थी जाती है? नहीं खराब नहीं होती, पका ली है, आधी आज खा लेंगे, आधी कल खा लेंगे। चलें जी, ये लगी है धोने। ये बाद में ना कहें, क्योंकि इनके कमेंट्स होते हैं ऑन, और लोग जो है ना बोलते हैं रोज मेकअप करती है, चमगादड़ बन गई है, ये है वो है, बांदरी बन जाती है, इसलिए मैंने आज किया ही नहीं। लोगों को क्या पता, लोग तो ऐसे बस अपने जब मुंह पे तवा फेरते हैं, फिर तो पता नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं आप देखो ना, आज मैंने नहीं किया ना, आज देखना फिर कमेंट आएंगे, क्या कहेंगे? फिर कहेंगे साहिबा मेकअप नहीं किया, साहिबा ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेकअप में आप बहुत अच्छी लगती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। आज आप परेशान है ना, है ना? वो आपकी सिस्टर जो चली गई है। हाँ। इसलिए बहुत परेशान है, इसलिए इसलिए उनके दुख में गोभी बना रही हो। हाँ। नहीं उनके दुख में नहीं, उनके जाने के गम में, जाने के गम में बना रही हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का नसीब था ना। हाँ आज उनका नसीब खा रही हो। चलें जी, अल्लाह पाक उनको खैर खुशी से पहुंचा दे, दुआ करते हैं। आप सब ने भी दुआ करनी है खैर खुशी से पहुंच जाएं, और हम जब उधर जाएंगे ना फिर देखना मजा आएगा, है ना? बहुत मजा आएगा। हाँ जी, लेकिन हम जाएंगे गर्मियों में। हाँ अब सर्दियों में कौन जाता है, बर्फबारी पड़ रही है उधर। हाँ।